मेट्रो एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चिकबल्लापुर में प्राथमिक कृषि पत्तीना सहकारी संघ के नियमित निदेशकों के चुनाव में डॉक्टर के सुधाकर लगातार चौथी मर्तबा चुने गए हैं। वर्तमान निदेशक चन्ना कृष्णप्पा ने बताया है कि बीजेपी समर्थित डॉक्टर के सुधाकर के चुने जाने से खुशी का माहौल है। बंगाल पेठे में एसएन नारायण ने कोलार के प्रवासी मंदिर में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोलार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सीएम सिद्धरमैया चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोलार को अच्छी इच्छा शक्ति के साथ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया है। बेलगावी के निप्पाणी नगर में स्थानीय चुनाव आयोजित किए गए हैं। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 31 में मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई। यहाँ कर्मचारियों ने मतदान किया और इस वार्ड में जहाँ पर लगभग 1850 महिला पुरुष मतदाता हैं, अब 31 मार्च को चुनाव के परिणाम आएंगे। हुबली शहर में बढ़ती ऑटो की संख्या को देखते हुए ऑटो चालकों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यहां पर इंस्पेक्टर श्रीकांत ने उन्हें कानून का पालन किए जाने की सलाह दी है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि यात्रियों से बदसुलूकी और ज्यादा किराया ना वसूला जाए, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಂತು ಅನುಸದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋ। चिक्कोड़ी में महिला और बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है और इस खास मौके पर सचिव शशिकला झोले भी मौजूद रहे। टीकाकरण का कार्य सरकारी अस्पतालों में किया गया है और इस मौके पर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अस्पताल में 27 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आपको बता दें कि अस्पताल में 16,000 से ज्यादा वैक्सीन को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ, ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳಿದಾವೆ, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು। बेलगाम में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। स्वर्गीय सुरेश अंगड़ी के निधन के बाद बेलगाम में उपचुनाव हो रहा है। होली के त्योहार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सतीश जय की होली ने नामांकन पत्र दाखिल किया और इस मौके पर जीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ ही तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि उनके ही पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी। ಅಚ್ಚೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನರಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ವರ್ಗ ಈಗ ನರಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ಬಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗ್ತಾವಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಘ್ನ ರಾಜನ चिकबल्लापुर में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच नगर परिषद के अध्यक्ष आनंद वैजी बाबू ने साल 2020 और 21 के लिए बजट पेश किया। शहर को सुंदर बनाने के लिए आपको बता दें कि इस बजट को पेश किया गया है। पार्कों बागवानी विकास के लिए 1,10,000 खर्च किए जाएंगे और जल निकासी प्रणाली के विकास के लिए 1,40,000 का बजट दिया गया है। फुटपाथ सड़कों के विकास के लिए 20,50,000 रुपए खर्च किए जाएंगे तो वहीं खुले नालों के साथ ही पुलों के रखरखाव के लिए 1,50,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। ಕೆಲವು ಏನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು
ಕೆಲವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೇನು ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ मंगलौर में मंत्री बसवराज बोम्मई ने सीजी लीक मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भेजे गए पत्र पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी, हमारी एसआईटी टीम सही तरीके से काम करती है, मैं मजिस्ट्रेट के सामने दी गई अनुमति के बारे में नहीं जानता, सब कुछ कानून के मुताबिक किया गया है। ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಪರ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿರುಗುವುದು ಸಹಜ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಪ್ರೋಬು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ। मंगलोर में राम सेना के संस्थापक प्रसाद अचावर गिरफ्तार किए गए हैं। उन पर $17 मिलियन नकद और 3 खाली चेक की धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इसके बाद रायचूर विश्वविद्यालय में नए चांसलर की नियुक्ति की मांग भी लगातार की जा रही है। दावणगेरे जिले के जगलूर श्वेत के बीईओ पर शिक्षक की नियुक्ति के लिए ₹25,000 की रिश्वत की मांग किए जाने का आरोप है। बताया जाता है कि ₹10,000 की रिश्वत ली गई थी। मामले की जांच के लिए दावणगेरे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची हुई थी, जिसमें एसपी जयप्रकाश के नेतृत्व में रेड डाली गई। इसी खबर के साथ मेट्रो एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। खबर लगातार जारी है तो दीजिए इजाजत। नमस्कार।